होंठ चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में अहम रोल निभाते हैं। खासकर महिलाओं के सौंदर्य में चार चांद लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसलिए पतले और गुलाबी होंठ पाना हर कोई चाहता है। इसके लिए कई महिलाएं सर्जरी का भी सहारा लेती हैं और महंगे ट्रीटमेंट्स पर लाखों रुपए खर्च करती हैं। लेकिन हर किसी के लिए ऐसी महंगी सर्जरी संभव नहीं होती। ऐसे में हम यहां आपको कुछ आसान से टिप्स और घरेलू उपचार बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने होठों को खूबसूरत बना सकती हैं। तो चलिए जानें अपने लिप्स को पतला कैसे बनाएं। नंबर एक, लिप्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज केवल शरीर को ही फिट नहीं बनाती, बल्कि एक्सरसाइज से आप अपने होंठों को भी पतला बना सकते हैं। लिप्स का शेप ठीक करने के लिए आप फेशियल योग कर सकती हैं, जिसमें अपने दोनों होठों को एक साथ दबाकर रखें और 15 सेकंड के लिए ऐसे ही होल्ड कर लें। अब थोड़ी मुस्कुराएं और होठों को 15 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लें। अब स्माइल करें और अपने होठों के कॉर्नर को कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर की ओर लिफ्ट करें। इस एक्सरसाइज को दिन में 3 से 4 बार करें, आपको 15 दिन के अंदर रिजल्ट दिखने लगेगा। नंबर दो, फिटकरी और ग्लिसरीन। फिटकरी और ग्लिसरीन का उपयोग करके आप होंठों को पतला कर सकते हैं। इसके लिए फिटकरी और ग्लिसरीन को एक साथ मिलाकर कुछ दिनों तक अपने होठों पर लगाएं। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में होंठ अपने आप पतले दिखने लगेंगे। नंबर तीन, लिप स्क्रब। स्क्रब की मदद से आप अपने होंठों को पतला बना सकते हैं। होठों की डेड स्किन सेल्स को निकालने के लिए होठों को स्क्रब करना बहुत ही जरूरी होता है। गंदे और डेड स्किन वाले होठ बड़े बड़े दिखाई देते हैं, इसलिए एक लिप स्क्रब आप ले ले और इससे सारी डेड स्किन सेल्स को निकाल दे। नंबर चार, शिया बटर का प्रयोग करके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि होठों को पतला करने के लिए उन्हें मॉइस्चराइज रखना भी काफी आवश्यक हो जाता है, इसलिए अपने होठों पर ऑलिव ऑयल या फिर शिया बटर लगा सकती हैं, ताकि वह बार बार ड्राई होने से बच सके। इसके लिए आप कोई अच्छे लिप बाम का प्रयोग करें। नंबर पाँच, कंसीलर का प्रयोग करें। अगर आप अपने बड़े होठों का साइज थोड़ा कम करना चाहती हैं, तो होठों को अंडरलाइन कर लें। लेकिन इससे पहले जितनी स्किन को नहीं दिखाना चाहती है उसे कंसील कर ले। कंसीलर का प्रयोग करने से पहले प्राइमर का प्रयोग करें और फिर लास्ट स्टेप में लिप लाइनर का प्रयोग करें, ताकि होंठ और ज्यादा डिफाइन किए हुए लग सके। हालांकि यह एक मेकअप तरीका है, इसके अलावा आप होंठों को पतला करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। सबसे जरूरी चीज है कि लिप्स के साफ सफाई में ध्यान जरूर दे, क्योंकि गंदे लिप्स मोटे लगते हैं। अगर आपके होठों के आसपास बाल है तो उससे भी वह बहुत बड़े बड़े दिख सकते हैं, इसलिए उन बालों को हटाएं। आप इन्हें हटाने के लिए इन्हें वैक्स करवा सकती हैं या फिर थ्रेडिंग भी करवा सकती हैं। अपने होंठों को हमेशा ड्राई होने से बचाएं। अगर यहाँ की स्किन नरिश रहेगी तो होंठ खूबसूरत और यहाँ की स्किन टाइट बनी रहेगी। अपने होठों को फटने से बचाने के लिए उन पर रोजाना वैसलीन का प्रयोग कर सकती हैं, ताकि वह काफी स्मूथ लगे और शार्प भी नजर आए। लेकिन अगर आप इन्हें हमेशा के लिए बदलना चाहती हैं, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट जिनमें इन्वेसिव मेथड या सर्जरी शामिल होती है का प्रयोग करना ही बेहतर रहेगा। अपने होठों की भी स्किन की तरह नियमित केयर करना आवश्यक होता है, ताकि वह फटे हुए न लगे और काफी मुलायम रह सके।